Watching DHT Daily Health Tips. Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Daily Health Tips. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नफ्स को मोटा करने के लिए एक बहुत ही कारआमद नुस्खा. जबकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे जो अपने नफ्स को मोटा करना चाहते हैं, और जो लोग वैसे भी परेशान हैं इस बात को लेकर कि नफ्स पतला है और कमज़ोर है, तो वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो है हासिल कर सकते हैं. और ये बहुत ही आजमूदा और घरेलू किस्म का जो नुस्खा है, ये मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ. और इससे आप जो है चंद ही दिनों के अंदर अंदर अपने नफ्स को जो है मोटा कर सकते हैं और नफ्स को ताकत में ला सकते हैं. इससे नफ्स जो है सख्ती भी नफ्स में पैदा होगी. तो इस नुस्खे से जो हजरात फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा. और अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं अपने चैनल पर, जो कि आपको सब्सक्राइब करने के बाद आसानी से वीडियो जो है देखने में मिल जाएगी. और जिन दोस्तों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया कि आज वो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और तमाम जो है फैसिलिटीज़ हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड वो हासिल कर रहे हैं. और जिन दोस्तों ने नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया वो भी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें. तो दोस्तों, इसके लिए जो हमें इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो ये है कि आपको एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज चाहिए, जो कि देसी प्याज होना चाहिए, यानी कि देसी ओनियन. ये आपको ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है. गांव के लोगों के लिए तो बहुत ही आसान है, उनको तो देसी प्याज वैसे भी मिलता है घरों में, और जो शहरों में रहते हैं वो भी मार्केट से जो है देसी प्याज पूछ कर भी ले सकते हैं. और देसी प्याज का होना ज़रूरी है, क्योंकि फार्मी प्याज जो होता है वो ये चीज़ जो है उसमें कुछ जो सल्फर्स वगैरह और पोटाशियम वगैरह जो है मौजूद नहीं होते, क्योंकि वो फार्मी होता है. तो देसी प्याज के अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद होती है. प्याज ले लेना है एक अदद दरमियाने साइज़ का, और गाय का दूध, गाय का दूध इतना होना चाहिए कि प्याज को हमने गाय के दूध के अंदर डुबोना है, यानी कि भिगो दें कि प्याज उसके अंदर अच्छी तरह से डूब जाए. और प्याज को किस तरह से आपने भिगोना है, प्याज को आपने पकड़ लेना जैसे कि आप एक फल फ्रूट जो भी काटते हैं, जैसे कि एप्पल काटते हैं या अमरूद वगैरह काटते हैं, चार हिस्सों में कट कर लेना है. यानी कि पहले आप छुरी की मदद से उसको दरमियानी हिस्सा उसका काटें, छिलका बेशक मत उतारिएगा, और दूसरी साइड से भी फिर उसके जो है ऐसे चार पीसेस आपको चाहिए, उसको खोलकर यानी कि चार कलियां बन जाएगी, इनको आपने डिप कर देना है दूध के अंदर, और दूध इतना हो कि ये डूब जाए उसके अंदर, और 24 घंटे के लिए इसको पड़ा रहने देना है. 24 घंटे के बाद इसको आपने निकाल लेना है प्याज को दूध से, और उसके बाद कोई भी ऐसी जगह यानी कि सायादार जगह हो जहाँ पर धूप भी ना पड़ती हो इतनी, और सायादार जगह पर रखकर प्याज को आपने खुश्क करना है. और ये खुश्क होगा तकरीबन लगभग आपको 2 से 3 दिन लाजमी रखना पड़ेगा, इसके खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे. उसके बाद इसको आपने पीस लेना है, जब ये खुश्क हो जाएगा इसको अच्छी तरह से पीस लेना है, चाहे हमाम दस्ते की मदद से आप इसको पीस लें या ब्लेंडर के अंदर इसको पीस लें, इसका सफूफ सा तैयार हो जाएगा. और फिर आपको चाहिए 50 ग्राम जैतून का तेल, जैतून का जो तेल लेना है 50 ग्राम, और उसके अंदर इस जो है आपका जो ये चूरन होगा, जो मिक्सचर होगा आपका प्याज का, इसको उसके अंदर आपने डाल देना है जैतून के ऑयल के अंदर, और तकरीबन हल्की आंच पर आपने सिर्फ इसको एक बार जोश देना है चूल्हे के ऊपर. और जोश देने के बाद किसी भी शीशी की बोतल यानी कि कांच की जो बोतल है उसके अंदर इसको महफूज कर लें, ढक्कन बंद करके रख दें. फिर आपने इसका जो तरीका इस्तेमाल कुछ यूं रखना है कि अपने नफ्स को जो है आपने अंगूठा और
आपकी जो फर्स्ट उंगली है उसकी मदद से ये ऑयल को आप थोड़ा सा लगाएंगे और अपने नफ्स, बल्कि इससे पहले आपको एक छोटा सा काम मैं बता दूं कि अगर आप वो भी कर लें साथ, तो इसका जो है असर जो है जल्दी आ जाता है। ये जो तिला है जो आपका तैयार होगा, ये तैयारशुदा तिले से आपने पहले एक काम करना है कि किसी भी, जैसे कि बनियान टाइप कपड़ा होता है जो सॉफ्ट हो, कपड़ा टी शर्ट वगैरह का कोई कपड़ा, यानी कि नरम हो, खुरदरा कपड़ा ना हो, उसकी मदद से आपने अपने नफ्स पर जो है थोड़ी सी लाइनें लगानी है, यानी कि 1 से 2 मिनट तक थोड़ा सा हल्का हल्का सा रगड़ना है। इतना हद तक नहीं रगड़ना कि कोई जख्म आप कर ले, या ज़्यादा सख्ती से नहीं रगड़ना, सिर्फ हल्का सा उसको रगड़ देनी है चारों साइडों से, कि ताकि जो नफ्स है वो थोड़ा गर्म गर्म हो जाए, उसकी जो है उधर से जो सेक सा निकलने लग पड़े जिल्द से। उसके बाद आपने ये जो तीला है दोनों उंगली और अंगूठे की मदद से डिप करके इसको अच्छी तरह से जो है फर्स्ट से एंड कैप तक, कैप वाले हिस्से तक इसको खींच कर लगाना है, ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि कोई साइड आपकी खाली ना रह जाए। अच्छी तरह से इसको 4 से 5 मिनट तक मसाज करना है और इसको आपने छोड़ देना है। अगर तो आप इसको लगाकर हम बिस्तरी के मूड में हैं, तो आपको ये चाहिए कि आधा घंटा लगने के बाद, यानी कि आधा घंटा वेट के बाद इसको पहले साफ़ कर दें नीम गर्म पानी के साथ, फिर उसके बाद हम बिस्तरी करें तो वो ठीक रहेगा। तो अगर आप इसको लगा लेते हैं, हम बिस्तरी नहीं आप करते, तो इसको सुबह आप वॉश कर सकते हैं नीम गर्म पानी के साथ, और ये रोज़ाना इस्तेमाल करें। और 10 दिन जैसे ही इस्तेमाल कर लेंगे आप रोज़ाना, 10 दिन तो रेगुलर इस्तेमाल करें ना इसको, 10 दिनों में एक अच्छा रिजल्ट जो आपको देखने में मिलेगा, एक तो आपके जो नफ्स की मुर्दा रगे हैं उनमें जान पैदा होगी, और जान पैदा होगी वो फूलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ये जो प्याज को मैंने आपको बोला है कि गाय के दूध के अंदर जो डिप करना है, उसकी वजह से ये होगा कि सल्फर और विटामिन शामिल हो जाएंगे एक साथ। दूध के जो विटामिन हैं और जो प्याज का जो सल्फर होता है पाया जाता है अंदर, ये आपस में शामिल हो जाएंगी, इनकी तासीर जो है एक दरमियाने तबके की बन जाएगी। और दूसरा, जैतून के तेल के अंदर इनका मिक्स होना एक गर्मी की शिद्दत को बढ़ाएगा ये, और जैसे आपके नफ्स के ऊपर इसका जज्ब हो जाएगा, ये नफ्स के ये जो आपको रगड़ का बताया, इससे आपके मसाम खुलेंगे, जैसे ऊपर इसका लेप हो जाएगा तो इस तिले का, तो इसकी वजह से आपके जो मसामों के अंदर ये आसानी के साथ जज्ब हो जाएगा और जल्दी असर पर आ जाएगा, यानी कि एक जल्दी असर दिखाएगा आपको। अच्छा, और इसकी जो मुर्दा रगें होती हैं नफ्स की, उन वो जैसे ही फूलना शुरू होंगी और जो सुकड़ापन होगा ना उसका, वो ख़त्म होगा, ढीलापन भी इससे ख़त्म होगा। जैसे ये फूलना शुरू होगा तो आपकी ऊपर वाली स्किन जो है वो मोटी होकर आपको मोटाई की तरफ लेकर जाएगी। जैसे स्किन ऊपर वाली मोटी होना शुरू होगी, तो आपका जो नफ्स है वो फूलना शुरू हो जाएगा। इस नुस्खे का असल फ़ायदा यही है आपको, अगर आप ये इसी तरह मेरे बताए हुए तरीके के साथ कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह 10 दिनों के अंदर आपका नफ्स जो है पहले से ज़्यादा मोटा होगा। और इसको 40 दिन तक तिला जो है इस्तेमाल करते रहें, 40 दिन तक रेगुलर आप इसको इस्तेमाल करें। बस ये याद रखें कि हम बिस्तरी पर इसको लगा हुआ आपने अपने पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना, क्योंकि उससे पहले इसको वॉश कर लेना बेहतर है, और नीम गर्म के पानी के साथ इसको जो है अच्छी तरह से साफ करके फिर आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, नहीं तो आप रात को लगाएं, सुबह को नीम गर्म पानी के साथ वॉश कर लें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मज़ीद दोस्तों को भी इस नुस्खे से जो है फ़ायदा हासिल हो सके। और मज़ीद इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, कुछ रिप्लाई नहीं भी किए जाते, तो उसके लिए मैं एडवांस आपसे सॉरी करता हूं, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि जैसे किसी का कोई मैसेज आया उसका फौरी जो है उसका जवाब दिया जाए, या नेक्स्ट मैं हर दिन पर जो है लोगों के सवालों के जवाब ज़रूर दिया करता हूं। और ऑन डिमांड कोई भी इलाज चाहिए उसके लिए भी हमें जो है गाइड करें, इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको
उसका जो है इलाज फराहम किया जाएगा। इसीलिए फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब रखते हैं तो आप मेरी डेली नई से नई वीडियो को आसानी के साथ वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। हो सके तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखिएगा। मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।